बरसात के दिनों में हमीरपुर शहर में भवनों की छत से गिरने वाले पानी से सड़कें और रास्ते टूट रहे हैं, जिसके चलते ही नगर परिषद ने करीब एक दर्जन रिहायशी मकान मालकों को नोटिस देकर चेताया है कि अगर जल्द बहुमंजिला मकानों में पानी के लिए डाउन पाइपें नहीं लगाई गई तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। खासकर बरसात के दिनों में तो छतों से गिरने वाले पानी से सड़कें टूट जाती हैं, जिसमें मरम्मत का खर्चा पड़ जाता है। बता दें कि हमीरपुर शहर में कई दर्जनों ऐसे रिहायशी भवन हैं जहां पर छतों से डाउन पाइपें नहीं लगाए जाने से जरा सी बारिश होने पर सारा पानी सड़कों पर गिरता है और इस कारण सड़कें टूट जाती हैं। अगर हमीरपुर बाजार में ही नजर दौड़ाई जाए तो कई जगहों पर इतनी ऊंचाई से पानी गिरने से सड़क टूटी हुई नजर आएगी। इसी समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद हमीरपुर ने अब लोगों को नोटिस निकालकर चेताया है। ईओ हमीरपुर KL ठाकुर ने बताया कि भवनों के ऊपर से पानी गिरने वाले लोगों को नोटिस जारी किए हैं और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों से 2 से 5 हज़ार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी मुख्य बाजार में दुकानदार हैं या रिहायशी मकान वाले हैं, सभी को हमने नोटिस द्वारा सूचित किया था कि जिस किसी भी दुकानदार ने या मकान मालिक ने अपने बिल्डिंग का वर्षा का पानी प्रणाली लगाकर सार्वजनिक सड़क या गली के ऊपर छोड़ रखा है, उसको तुरंत डाउन पाइप लगाकर ऊंची स्थान पर डालें। अगर वो इसकी कंप्लायंस नहीं करता है तो उनके प्रति शीघ्र ही नगरपालिका अधिनियम 1994 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उनको कुछ एकों को तो हमने नोटिस भी दिए हैं, कुछ ने उन नोटिस की कंप्लायंस कर दी है परंतु कुछ ने नहीं की है। जिन्होंने नहीं की है उनके हम चलान काट कर माननीय न्यायालय में उनकी शिकायत दायर करवाएंगे। से अनुरोध है कि जिस भी किसी दुकानदार या मकान मालिक ने अपने मकान का पानी प्रणाली लगाकर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर छोड़ रखा है, उसको डाउन पाइप लगाए वो और नीचे नाली में छोड़े, अन्यथा उनके प्रति जो है वो कार्रवाई की जाएगी।